आए दिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, कई बीजेपी स्कैम्स कर रही है, कर्नाटक में 40% स्कैम हुआ, PSI स्कैम हुआ, इसके ऊपर क्या कहेंगे? वो पार्टी स्कैम की है, उनकी पैदाइश स्कैम की हुई हो, नेचुरल बर्थ नहीं, वो अननेचुरल बर्थ है। ये लोग बोलते हैं, मरद माने बोल के हमें पैदा करे, बच्चा लग जाए, वो हमारा बच्चा बोल रहे, 12 बच्चा ले लेंगे ना बम्बई में, खिला पिला को सुला को, उनके वीडियो मना को, वीडियो जो है हाईकोर्ट में स्टे ले को, ये सब चला। लेकिन आज बीजेपी नहीं आती है, लिख लियो तुम्हें, कांग्रेस बीजेपी दोनों का पोजीशन वो रहता, जनता दल इंशाअल्लाह, मुझे उस जात से यकीन है, क्योंकि लोगों की बदवा, जो लोगों का दर्द, जो सताई 20-3 में, उसका असर पूरे हिंदू मुस्लिम ये खोकर जो है JDS को लाते। पहले उसकी तजुर्बा जलधारा में 8-10 से 12 लाख लोग थे, सेंट्रल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, हम लोग उतने लोगों को कुछ इंतजाम नहीं कर सके, इसके बावजूद लोगों का एक हुजूम था। तो स्टेट में एक लिस्ट वायरल की जा रही है RSS बीजेपी की तरफ से कि यहाँ पर जितने भी खदीम मस्जिदें मंदिरें हैं, दरगाहें हैं और किले हैं, उनको मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, उसके ऊपर आपकी जनता दल सेक्युलर एक नाम जुड़ा हुआ है, सेक्युलर का किस तरह से आप हिंदू मुस्लिम को जोड़ने का काम करेंगे, ऐसे नहीं होंगे? सबसे पहले हिजाब का मसला, शिव कुमार बोले बात नहीं करना, हम लोग बात किए, हलाल कट झटका, शिव कुमार बोले बात नहीं करना, हमें बोले मंदिरों के पास जितने में व्यापार नहीं करना, शिव कुमार नहीं बोले, हम बोले मुस्कान के घर को नहीं जाना, हम लोग गए कश्मीर में, नौजवान एक मरिया सोल्जर, सारी हुकूमत जाना था, कोई नहीं गए, कांग्रेस नहीं गए, हम लोग गए। कांग्रेस वालों का कल 2 दिन डिस्कस हुआ, क्या चले, जो डिस्कस कर ले गए उनसे पूछो, उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व हार्ड हिंदुत्व इसके बीच में सपड़ गए, उन्होंने नल्ली से गुद निकल रहा नहीं, खींचने का छोड़ रहा नहीं, मालूम हुआ हमें नल्ली में गुद खींचने वाले हैं, नल्ली फोड़ने वाले हैं, दाता घटे हमारे, तो उसके वास्ते जनता दल ने बाकायदा जवाब दे रही। और मैं खाम से ये अपील करता हूँ, आप उनके बयान, अब मिसाल के तौर पर आज कल श्रीरंगपट्टन की मस्जिद के पास बाहर बैठ कर मैं मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा बोले घर को आज दिखा रही, हालांकि नहीं हो 144 डालने के पहले बाहर बैठ को ले सके ऐसे, फौरन मैं जो है मंडिया फ़ोन करके अखबार के जरिए, अखबार वालों के जरिए रिपोर्टिंग हुई है, तो इसलिए कौम जो है भड़कने की ज़रूरत नहीं, हमारे ऊपर छोड़ो, हमें जिंदा है, कौम घर में सेफ रहना, हमें जो है एज अ पार्टी प्रेसिडेंट एंड एज अ पार्टी लीडर कुमार स्वामी, हम लोग जो है मैदान में आके लड़ने के वास्ते तैयार है। तो गुलबर्गा में आने वाले इलेक्शन में नॉर्थ को लेकर काफ़ी रूमर्स चल रहे हैं सर, नॉर्थ की टिकट आप प्रेसिडेंट हैं पार्टी प्रेसिडेंट, नॉर्थ को टिकट के लेकर काफ़ी रूमर चल रहे हैं, यहाँ पर टिकट का बंटवारा होगा, हर जगह भी रहती है, नॉर्थ में, साउथ में, उमनाबाद में, बीदर में, हर जगह भी है। पार्टी जो है ये पार्टी की ताकत अब बढ़ रही है, ये एक चीज़ है, जब तक मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ हर एक पार्टी के वर्कर को कॉन्फिडेंस में लेके उसे जो है जो हक है उसका, कार्डनरी वर्कर रहा तो उसका हक अदा करके काम करते, ये रास्ता हम अपने, क्यों जब मैं पार्टी प्रेसिडेंट था फर्स्ट टाइम
डिस्ट्रिक्ट जनता दल का प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग में आके बैठता, तालाब जनता दल का प्रेसिडेंट उससे एमएलए से जता पोर था, तालाब जनता दल के प्रेसिडेंट को उत्तर पोर था। नंबर तीन, ऐलान करें हम लोग हुकूमत बनने के 45 दिन के अंदर कॉरपोरेशन बोर्ड्स 20-20 महीने एक एक आदमी को, हजारों के लोगों को उसमें तुम्हें अकोमोडेट कर सकते, ये। और दूसरा, अखिलियतों का जो हक है, बुनियादी हक, 30% देना बोल के बोल रहे हैं। यस, बजट के अंदर भी जो है अखिलियतों को, जो हमारी आबादी है उसके तरह, क्योंकि आज शेड्यूल कास्ट का बजट 30,000 का है, बैकवर्ड क्लास का बजट 22,000 का है, अखिलियत का बजट 900 करोड़ का है, तो ये जो है, ये चीज़ कुमार स्वामी देवगढ़ा साहब, हालांकि 4% रिजर्वेशन देवगढ़ा सीएम मई जनता दल का सदर था, उस वक्त 4% आज तक वो रिजर्वेशन कौन से कोर्ट में भी चैलेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसको बनाते वक्त पूरा कानूनी लिबास उड़ा के बने, तेलंगाना का आंध्र का फेल हुआ, तेलंगाना का फेल हुआ, सिवाय केरला और कर्नाटक के, हिंदुस्तान में कहीं भी रिजर्वेशन नहीं है। सीताराम जैसे देवगौड़ा को निकाल कर वाजपेयी को लाए, क्या नियत कर ली, उसकी अम्मा बीमार थी क्या, न्यास बन लिया था उन्हें, या कुमार स्वामी को निकाल कर येडियुरप्पा को लाए, इनकी खाला बीमार थी क्या, कौन ले, सड़की को आ रहे कौन आ रहे, उन कुछ पूछो ना। तो ये चीज़ें जो है, क्योंकि मेरा एक, हमें सियासत की शरीयत में नहीं है, सियासत की हकीकत में है, शरीयत तरीकत मारिफत पूरा पार कर ले तो हकीकत को ही हम, क्योंकि सब खड़गे साहब आने से पहले मैं सियासत में आ सकता, तो इसलिए हमारे कौम को जो हक मिलना है वो पूरे से सबके साथ प्यार मोहब्बत के साथ बिल्कुल लेते हैं। सुकून से रहो, दुआ करो, बंदा नवाज का उर्स आ रहा, अच्छी तरह से उर्स मनाओ, व्हाट्सएप पर गैर गलत मैसेज आए तो जल्दी उसके ऊपर यकीन मत करो, तहकीक करो, अपना कांटेक्ट करो, कहता रहे तो हमारा जवाब सुनने के बाद में करो, लोकल लीडर से रिजू करो, तुम्हें एकदम बाजार में नहीं आना, अब भाई यहाँ लीडर है नासिर हुसैन है या दूसरे है नितिन खाने के फरा फरा दूसरे, उनसे रिजू करो, जो वहाँ आना उन हमला रिजू करते उसके ऊपर इकदाम उठाते। अरे 6 महीना के मेहमान आए जा रहे हैं, कहीं को जाने वाले कहीं पूछ रहे, बोम्बाई भी नहीं रहता, तिम्बाई भी नहीं रहता, हुकूमत हमारी बनती आ रहो, हिम्मत से रहो, काहे को फिक्र करते, पूरा रियासत देख ला कही भाई हालत क्या है, कहते मालूम है मुझे, बोलूँ जब कमेटी को डिजॉल्व करें, अब छोड़ रहे नहीं उन्हों बसवरना खाद डाली, फिर को बसवरना खड़ा क्या हालत होना इनकी, मैं क्या बोलता हाँ बसवाना कोई हम पर दोनों का क्या, इसलिए हमें क्या करना, खामोशी से देखते रहना, हमें क्या रहना, जोश में नहीं आना, होश में रहना। बहुत अच्छा है, बड़ी खुशी की बात है, उन्होंने बोल रहे इसमें जो है सब मस्जिद में लिंक मत ढूंढो बोल के, तुम्हारी गवर्नमेंट को बोलो, तुम्हारे पार्टी वाले को बोलो, बयान दिया तो फायदा क्या है, भागवत साहब की इज्जत करते हैं, उनकी उम्र ज़्यादा है, क्योंकि इस्लाम जो है एहतराम करने का मजहब है, अदब करने का मजहब है, कभी मुसलमान बद अखलाक नहीं होता, इस्लाम की सबसे बड़ी पहचान अखलाक है,
हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक से कहें, चाहे हिंदू रहे मुस्लिम रहे, अखलाक के साथ। हमारे घर को कौन तो भी आया, खाना दिए उसे, उसे ज़ात देखने की हमने ज़रूरत नहीं। क्यों? अल्लाह बोल रहा हूँ ना, पैदा हुए जब से मैं खाना दे रहा हूँ उसकी ज़ात महीने देखा, तू कहीं देखता रहे एक दिन खाना देने वास्ते है नहीं दोस्ते। हम रब्बुल आलमीन है, रहमतुल आलमीन है, आराम से रहो, सुकून से रहो। गुलबर्गा की शान वो पुराना MP आता है यहाँ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, इंशाल्लाह ऐसा करता हूँ मैं दोबारा, छोड़ता नहीं। ये तो हमारी जिद्दत थी सख्त, बंदा नवाज की सरजमीन से एक आदमी जा रहा हूँ खबर इस्लाम को भेजे, मतलब हुआ। अब जो है बीदर को डाले, वहाँ पर हालत वो नहीं है, इंशाल्लाह वो हालत जो है सुधरते बदते। राज्यसभा से भी हमको आदमी भेज सकते हैं, MLA भेज सकते हैं, चेयरमैनशिप हमको भेज सकते हैं। पहले एक मामू रख ले को नट्टा मामू, नहीं मामू वो नहीं है। अब दरवाजा बल्ला के खोल रहे, खोलते हुए बैठ के पहले क्या करते थे, एक चीज़ को चार जने को लड़ाक छोड़ डालते थे। अब वैसा नहीं है, 10 चीज़ा रखो छः आदमी बुलाते, वो जो दौर गया हो उसने। मैं बोलता हूँ को सुकून से रहो, इत्मीनान से रहो, और ज़्यादातर लोगों से मिलो। पोलिंग ऑफ परसेंटेज ज़्यादा होना, सब तकरीरा करते वोटिंग को नहीं आते, नाश्ता नहीं हुआ, खाना नहीं हुआ। जिस तरह केरला की पोलिंग है उस तरह की पोलिंग कर्नाटक में आ गई तो तारीख बदल जाती है। बेंगलोर के होटल में सप्लाई करने वाला 300 रुपये की टिकट दे केरला के जाकर वोट डाल को आता, यहाँ आई मेरी अम्मा आपको डाल कर, अयो अभी खाना हुआ नहीं, नाश्ता हुआ नहीं, जा रहे बाहर कर आवाज़ आती अंदर से। तो ये सियासी शऊर जो है ये कौम के अंदर पैदा होना, वो काम हमारे उलमाए कराम जुमा के खुतबों के अंदर जो है वोटिंग का करो, तुम्हें चैनल नहीं वोटिंग करो, वोटिंग लिस्ट में नाम लियो। NRC गया नहीं, NRC है रखी उन्होंने, हमेशा बोल रहा है कोरोना का एक बात लातों कर को। अब वो कोरोना गए के बाद कहते फिर दोबारा कोरोना आ रहा, NRC को भी कोरोना को संबंध है सर का दिख रहा बजे। तो इसलिए हम लोग मेरे खौम से मेरी यही दरख्वास्त है, सुकून चलो हमारे वास्ते, तवा के वास्ते दुआ करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गुलबर्गा टाइम्स। फॉर डेली अपडेट सब्सक्राइब अवर चैनल।